हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल और आज हम लोग कैट 2023 स्लॉट 1 के पूरे सॉल्यूशंस देखेंगे। पूरे सॉल्यूशन एक साथ ले रहा हूं ताकि आपको भी समझ में आए कि यार कौन सा क्वेश्चन कर सकते थे, कौन सा क्वेश्चन बहुत टफ था छोड़ना चाहिए था, या कोई क्वेश्चन देखने बहुत टफ था लेकिन अगर कुछ ट्रिक लगाते तो ये जल्दी कैसे हो जाता, ये पूरा मैं आपको इसमें सिखा दूंगा। प्लस इसमें एक चीज बता दूं, इसमें मैंने 14 क्वेश्चन किए थे इस स्लॉट में और इसमें मेरा जो परसेंटाइल था वो था 99.97। तो एक चीज यहाँ से आप एक और चीज समझ सकते हो कि जरूरी नहीं है कि पूरे क्वेश्चन करने, आउट ऑफ 22 मैंने भी 14 क्वेश्चन किए थे एट अ टाइम, ठीक है। हाँ, फिर घर आके लगा था कि दो तीन क्वेश्चन और कर सकते थे, है ना, तो होता है इफ एंड बट्स। लेकिन हाँ, पूरा मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ ये वाला सेट आपको सोल्व कराऊंगा। और हाँ, चालू करने से पहले बस एक चीज छोटी सी बता देता हूँ कि इस चैनल पे मैंने मोनेटाइजेशन तक बंद करके रखा हुआ है, जैसा कि आप में से कई लोग जानते होंगे, तो बस आप लोग सब्सक्राइब कर दिया करो क्योंकि सबसे इजी सॉल्यूशन आपको इधर ही मिलते हैं, ठीक है। और हाँ, टेस्टिमनी लिख दिया करो, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो कुछ टेस्टिमनी आज के वीडियो में जरूर लिखना, ठीक। चलो पहला क्वेश्चन, एक्स और वाई बोल रहे हैं कि पॉजिटिव रियल नंबर से सच दैट लॉग ऑफ बेस एक्स, ये दिया हुआ है, ठीक है। बेसिकली अगर मैं लॉग हटाऊं, है ना, तो क्या हो जाएगा, x की पावर 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 12। अच्छा, इस वाले पार्ट में ध्यान रखना, क्वाड्रेटिक के आपके बहुत क्वेश्चन दिखने वाले। सिमिलरली दूसरा देखूं तो log x बेस y इज इक्वल टू 1, तो इधर x क्यूब कर दूं, 3 जो बाहर है, है ना, तो y की पावर 1 इज इक्वल टू x क्यूब। ये दो चीजें मुझे पता चल गई, बेसिकली सिर्फ x निकालना है, है ना। अब x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12, ठीक है। अच्छा, यहां से अपन को एक चीज और मालूम चल जाएगी, क्या, कि टू कंसेक्यूटिव नंबर देखें, जैसे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूं तो अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचेगा इक्वल टू 12, 4 3 से ही होता है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं 4 ले लूं, है ना, तो 4 3 से 12, और पॉजिटिव बोला है तो ज्यादा मैं सोचूंगा नहीं, और पॉजिटिव है तो x की वैल्यू में क्या ले लूंगा, 2, ठीक है। x 2 तो y क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब 8, और x प्लस y पूछा था, 8 प्लस 2 10 आंसर आ जाएगा, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 10 ओरल था, है ना, ये विदिन 1 मिनट हम कर सकते थे, ठीक। सेकेंड क्वेश्चन, रूट ऑफ 5x प्लस 9 प्लस रूट ऑफ 5x माइनस 9 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस रूट 2। अब ध्यान से देखो तो इसमें अगर मैं सॉल्व करने बैठ गया तो ये काफी टाइम टेकिंग हो जाएगा, क्योंकि वो रूट को इधर उधर ले आके आप ये सब कर दो। बेसिकली मुझे ध्यान देना, आप ध्यान से देखना, ओरल निपटाऊंगा इसको 1 मिनट के अंदर, लेकिन यही तो सीखना है आपको। ये 5x प्लस 9 और 5x माइनस 9 को ऐड किया है, बाहर 3 आ रहा है, यानी 3 ऐसा होगा जो दोनों में कॉमन होगा, तभी हो सकता है, मतलब रूट के अंदर वाली जो चीज होगी, है ना, वो ओवरऑल 9 का मल्टीपल होगी, तभी ये 3 बाहर निकल के आया, ठीक है। मतलब 5x भी 9 का मल्टीपल होगा, 5x 9 का मल्टीपल है तो 10x भी 9 का मल्टीपल होगा, तो ये जो उन्होंने पूछा है इसमें से भी 9 बाहर निकल के आना चाहिए, मतलब जितने भी ऑप्शन है आपको 3 एक ना एक दिखना ही चाहिए। बी और सी पहली फुर्सत में रिजेक्ट कर दिए, ये था तरीका इसको करने का। अब 10x प्लस 9 है ना, इनमें से एक आंसर लगाना है, अब किसी भी एक को क्रॉस चेक कर लेते हैं, अगर वो आंसर हो गया तो उसको लगा देंगे, नहीं हुआ तो दूसरे को क्रॉस चेक नहीं करेंगे, वो आंसर लगा देंगे, इससे हम टाइम भी बचा पाएंगे। अब रूट ऑफ 10x प्लस 9 को मैं मान लेता हूं, मेरे लिए आसान क्या रहेगा, इसको एज्यूम करना, तो 3 रूट 7 एज्यूम कर लेता हूं, तो यहां से 10x प्लस 9 क्या आ गया, 63, तो 10x की वैल्यू क्या आ गई, 54, तो उधर ऊपर 5x है तो 5x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 27, ठीक है। अब देखते सॉल्व करके, 5x प्लस 9 है, 27 प्लस 9 36 का रूट 6 प्लस 27 माइनस 9 18, 18 का रूट क्या होता है, 3 रूट 2, है ना, इसमें से 3 कॉमन निकाल लेंगे तो 2 प्लस रूट 2 बचेगा, और यही तो दिया हुआ था, मतलब हमने जो किया सही किया, ऑप्शन डी लगा दो। और इनकेस ये सेटिस्फाई नहीं होता, बिना इसको क्रॉस चेक किए मैं आंसर ए लगा देता, पॉइंट समझ में आया। तो इस तरीके से आप बड़े से बड़े क्वेश्चन बहुत आराम से कर सकते हो, ठीक है। थर्ड, दिखने में थोड़ा सा टफ है लेकिन क्वेश्चन जब सॉल्व करने आओगे तो बहुत आसान लगेगा, बस इन सबको इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस
4xy या 4yx लिख दो प्लस 4y2, 4y2 को मैं 2y का होल स्क्वायर लिख दो प्लस ये तो जो लिखा है वैसा का वैसा रहने दो, इक्वल टू जीरो हो गया। अच्छा इस पे ध्यान दो, तो ये चीज क्या है, ये तो x प्लस 2y का होल स्क्वायर है प्लस, और ये चीज क्या है x माइनस 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर है इक्वल टू जीरो। दो परफेक्ट स्क्वायर का एडिशन जीरो कब होगा, जब वो इंडिविजुअल जीरो हो, और x माइनस 2y पूछा था, तो अगर ये भी इंडिविजुअल जीरो तो x माइनस 2y की वैल्यू क्यों होनी पड़ेगी 1, ताकि 1 माइनस 1 जीरो हो जाए। और अगर x और y पूछते तो हम x इज इक्वल टू माइनस 2y भी लिख देते, लेकिन पूछा ही नहीं तो हम आगे क्यों बढ़े, एग्जाम में तो हमारे लिए एक सेकंड कीमती है। तो x माइनस 2y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑप्शन डी 1 था लेस देन 1 मिनट। तारों कैट को हम टफ समझते हैं, कैट इतना टफ नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन, ये टाइम टेकिंग है। n बी द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट 168 इज अ फैक्टर ऑफ ये, ठीक है। अब देखो 1134 को पहले मैं वो कर लेता हूं फैक्टराइज, ताकि चीजें आसान लगने लगे। वैसे 9 से भी हो जाएगा, पर 33 ही लगते हैं। ये आ गया, मतलब 1134 ऐसा लिख लो, ये होता है 2 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 1, ठीक है। एक 168 को भी कर लेते हैं, क्योंकि बार बार इन्हीं दोनों की बात की गई है, ठीक है। तो 168 को कर लेते हैं, तो 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 7, ये दिया हुआ है। अब बस ज्यादा कुछ नहीं, n लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है सच दैट 168 इसका फैक्टर हो जाए। अब देखो 3 की पावर इसमें 4 है, इसमें 1 है, इसमें 7 तो कैंसिल आउट हो जाता, 2 क्यूब वो 3 की पावर 4 नहीं हो पाता। तो अगर पावर क्यूब कर दूं इधर साइड में, है ना, सॉरी 7 से 7 168 से डिवाइड करूंगा ना, 3 भी कैंसिल आएगा, बस ये 2 क्यूब नहीं हो पाएगा। तो n की मिनिमम वैल्यू तो 3 लूंगा मैं, ताकि क्यूब कर दूं तो 2 क्यूब भी हो जाए, सब कुछ कैंसिल आउट हो जाए, तो n की मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी 3, ठीक है। अब m बोल रहा है लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है सच दैट इसकी पावर n, n तो हमने 3 ले ही लिया है, तो इसकी पावर 3 ले लूं तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4, 3 इज 12 इंटू 7 क्यूब, है ना। ये फैक्टर हो जाए इस चीज का, मतलब अब ये अपॉन ये करना है, इस बार अपॉन में ये आना चाहिए, ठीक है। इस बार अपॉन में क्या आना चाहिए, ये वाली चीज 168 की पावर m, ठीक है। तो m प्लस n उन्होंने पूछा है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, 3 की पावर 1 है, 2 क्यूब से तो 2 क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 3 की वजह 12 है, इधर 1 ही है, तो 12 कम से कम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 12 हो जाएगा तो 3 से भी। तो m की मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, 12, n प्लस m पूछा था, 12 प्लस 3 15 आंसर लगा दो। था आसान, बस ऊपर नीचे ये कर करके देखना था, टफ ये भी नहीं था, बस टाइम टेकिंग जो भी ये सॉल्व करने में लगा वो लग सकता था। फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते, और हाँ अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हो ना, ठीक है, तो वीडियो कोर्स आप हमारे ही परचेस करो, ठीक है। क्यों ब्रांडिंग के चक्कर में पड़ते हो, खैर मैं भी एक अच्छा ब्रांड हुई, और ज्यादा बड़ा ब्रांड आप ही लोगों को मुझे बनाना है, ठीक है। टेस्टिमनी लिख दिया करो, अच्छा लगता है इससे, ठीक है, क्योंकि मेरे पूरी मार्केटिंग आप ही लोग हो, ठीक है। अब इक्वेशन ये दी हुई है, माइनस टू बोल रहे हैं एक रूट है इसका, ठीक है, अगले दो रूट जो है वो रियल है, तो मिनिमम पॉसिबल नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यू बतानी है आर की। अच्छा देखो माइनस टू एक फैक्टर है, तो सबसे पहले तो एक्स माइनस टू लिख दो, प्लस टू लिख दो, क्योंकि माइनस टू फैक्टर है ना। अब देखो ये पूरा चाहिए, वही डिवाइड करके देखते हैं, तो
एक्स क्यूब में से एक्स आ गया, बचा क्या एक्स स्क्वायर, टू एक्स स्क्वायर है ना, हमारे पास 2r प्लस 1x स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो देखो एक में 2r ले लेता हूं, ठीक है, तो 2r बाहर x रहेगा ही, तो 2r x स्क्वायर हो जाएगा, 2r x स्क्वायर इधर भी है, फिर 2x स्क्वायर है, यहां पे सिर्फ x स्क्वायर है, तो माइनस 1 कर दूं तो माइनस x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, सिर्फ एक ही x स्क्वायर बचा, ये हो गया। अब देखो x के टर्म में क्या आ जाएगा, 4rx, इसमें भी है इसमें भी है, कोई दिक्कत नहीं, 4rx माइनस 2x और इसमें माइनस x है ना, माइनस 2 हमारे पास आ रहा है ना, और इसमें माइनस 1 है और हमारे पास क्या माइनस 2, इन्हें एक बस वो आ जाए तो हो जाएगा, ठीक है, और ये प्लस 2 फिर आ गया, मतलब सब कुछ सही लिखा, ऐसे पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। दूसरे के दो रूट जो है रियल है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो क्वाड्रेटिक का होता है, देखो क्वाड्रेटिक के शुरू में ही कितने क्वेश्चन दिख गए, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, तो बी स्क्वायर यानी 2r माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4, दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है ना, तो 2r माइनस 1 का होल स्क्वायर दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, ठीक है, तो क्या बोल रहे थे, मिनिमम पॉसिबल नॉन नेगेटिव वैल्यू बतानी है आर की क्या होगी, ठीक है। अब देखो आर की जगह नॉन नेगेटिव जीरो रख दो, वन आएगा लेकिन फोर चाहिए हमें कम से कम, वन रख दो, टू माइनस वन, वन का स्क्वायर, फिर टू रख दो, टू टू जो फोर माइनस वन, थ्री, थ्री का स्क्वायर नाइन, ऊपर हो गया, मतलब आर की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, टू, तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, टू, ठीक है। अगला देख लेते हैं, सिक्स्थ इंटीग्रल सॉल्यूशंस बताने, ठीक है, जब भी बॉर्ड दिख जाए ना बिल्कुल बेसिक से जाओ, नहीं तो गलती कर दोगे नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस में। एक केस हम लेंगे जब मॉड एक्स जो हो ग्रेटर देन जीरो हो, और एक जब लेंगे एक्स जब लेस देन जीरो, तो मॉड एक्स जब ग्रेटर देन जीरो होगा तो साइन चेंज नहीं होगा, तो ये क्या लिख सकता हूँ, टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस फाइव एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो एक्स कॉमन आ गया, अंदर बचा टू एक्स स्क्वायर प्लस टू माइनस फाइव एक्स इक्वल टू जीरो, तो एक्स की एक वैल्यू तो जीरो आई गई, एक्स इज इक्वल टू जीरो लिख लो, इंटीग्रल बोल रहे हैं किसी भी एक को ग्रेटर देन एक वैल्यू तो हमारी जीरो आई जाएगी, फिर टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो करना है, दो ऐसे नंबर तो फोर और वन, तो इसमें 2x कॉमन आ गया, अंदर बचा x माइनस टू, माइनस वन कॉमन आया, x माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू आ गई 2 एंड 1 बाय 2, सब ग्रेटर देन जीरो है, लेकिन हमें सिर्फ इंटीजर पूछा था इन्होंने, देखो छोटे छोटे से गेम होते, इंटीजर पूछा था तो सिर्फ 2 लूंगा x की वैल्यू, ठीक है, 1 बाय 2 नहीं लूंगा। अब सिमिलरली इधर आ जाओ, तो ये माइनस हो जाएगा 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5x स्क्वायर, तो x कॉमन आएगा तो क्या बचेगा 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, एक तो जीरो हम ले ही चुके, अब ये भी जीरो, तो बस पूरा का पूरा वैसे ही करना है, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस x प्लस 2 इक्वल टू जीरो, तो 2x इंटू x प्लस 2 प्लस 1 इंटू x प्लस 2, तो x के लिए क्या आ गई माइनस 2 और माइनस 1 बाय 2, अब लेस देन जीरो में इंटीजर चाहिए था तो सिर्फ माइनस 2 आएगा, तो इंटीग्रल सॉल्यूशन कितने हुए 3, 0, 2 एंड माइनस 2, तो सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 3, ठीक है। अभी तक वीडियो सुन रहे हो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दो यार, है ना, चलो। अच्छा आपने एक चीज ऑब्जर्व की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भर भर के क्वेश्चन है, ठीक है, शुरू के 7 में कितने सारे आ गए, आप ध्यान से देखो तो अल्फा बीटा 2 डिस्टिंक्ट रूट से, अच्छा ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा मेरा माइनस बी बाय सिक्स बाय टू थ्री, और अल्फा इंटू बीटा के बाय टू, ये बोल दिया। अब बोल रहे ये दोनों यानी थ्री, कंफ्यूज ना होना हो तो ऐसे लिख लो, थ्री और के बाय टू अब मेरे किसी दूसरी इक्वेशन के रूट से, डिस्टिंक्ट रूट से इसके, है ना, डिस्टिंक्ट रूट से, तो सम ऑफ रूट्स देख लेंगे, तो थ्री प्लस के बाय टू इज इक्वल टू पी, है ना,
माइनस बी सॉरी, और थ्री इंटू के बाय टू इज इक्वल टू सी बाय ए एन ए पी। तो यहां से के बाय पी क्या आ गया, टू बाय थ्री। तो के को मैं ले लेता हूं टू टी और पी को ले लेता हूं थ्री टी, जल्दी हो जाएगा। तो थ्री प्लस के को लिया टू टी, टू टी बाय टू टी इज इक्वल टू माइनस थ्री टी। तो थ्री इज इक्वल टू माइनस फोर टी, यही होगा। तो टी की वैल्यू आ गई माइनस थ्री बाय फोर, ठीक है। बस अब के माइनस पी बताना है, के माइनस पी क्या होगा, के माइनस पी माइनस टी, माइनस टी होगा यानी माइनस टी की वैल्यू हो जाएगी थ्री बाय फोर। इंटू एट करना था, फोर टू जा एट, थ्री टू जा सिक्स आंसर। देखो कितना आसान था, सब कुछ उसने खुद ही करवाया, हमें कुछ नहीं करना था। आंसर क्या हो जाएगा, सिक्स, ठीक है। अगला देख लेते हैं, एट्थ। गीता सेल्स टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी एट द सेम प्राइस सो दैट शी मेक्स प्रॉफिट 20% ऑन ऑब्जेक्ट ए, ठीक है। सेलिंग प्राइस सेम है ना, प्रॉफिट 20% का ए पे, लॉस बी पे है। सी इंक्रीज द सेलिंग प्राइस ईच ऑब्जेक्ट ए एंड बी एंड स्टिल सोल्ड इक्वल प्राइस एंड प्रॉफिट 10% टू मेड ऑन प्रॉफिट बी, ठीक है। देखो मान लेते हैं 100-100 रुपए की चीज थी, ए और बी दोनों, है ना। अच्छा 100-100 की नहीं थी, 100-100 इसका सेलिंग प्राइस था, ये ऑब्जेक्ट ए का और ऑब्जेक्ट बी का। इसको 20% का यानी कॉस्ट प्राइस जो ए की होगी, है ना, 1 + 1/5 = 6/5 = 100, यानी ए का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो 500/6 होगा। सिमिलरली बी में इसको क्या हुआ था, लॉस हुआ था और 100 था, तो बी का जो कॉस्ट प्राइस था ये 1000/9 था। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब दोनों का कुछ इसने बढ़ाया प्रॉफिट परसेंटेज, सेलिंग प्राइस कुछ परसेंट से बढ़ाया और इक्वल प्राइस फिर से हो गया सेलिंग प्राइस, है ना। एंड 10% इसको प्रॉफिट हुआ ऑब्जेक्ट बी पे, ठीक है। तो देखो बी का प्राइस क्या है, 1000/9 इंटू 10% प्रॉफिट, यानी 11/10, तो 1100/9 अब इसका प्राइस हो चुका है, ठीक है। जी सन भाई, अब देखो सेम क्या लिखा था इन्होंने, थोड़ा सा लेंदी है, इफ शी इंक्रीज सेलिंग प्राइस सच दैट ऑब्जेक्ट एंड बी आर स्टिल सोल्ड एट इक्वल प्राइस, ठीक है। अब देख लो इसको प्रॉफिट हो गया इतना 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 इतना, नया सेलिंग प्राइस, अच्छा पुराना 100 था, अब हो गया 1100/9 सेलिंग प्राइस, तो बढ़ाया कितने से होगा, है ना, इसको इसमें से 100 माइनस कर दो, ठीक है। तो 200/9 इन्होंने बढ़ाया, ठीक है, 200/9 इसने प्राइस बढ़ाया, ये क्या लिखा हुआ था, ठीक है, 200/9 इसने दोनों का सेलिंग प्राइस बढ़ा दिया। तो एक आप सेलिंग प्राइस क्या हो गया, अच्छा वो तो 1100/9 ही है, ठीक है, 1100/9 और प्रॉफिट पूछ रहे हैं ना, प्रॉफिट ए की कॉस्ट प्राइस क्या थी, 500/6 परसेंटेज में पूछा है, तो 500/6, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, 2200 - 1500 इंटू 6/500, ठीक है, तो ये जाएगा 3 times। कैलकुलेटर से आप लोग करना, आएगा तो 46 point something, मतलब 47 लगा देंगे, ऑप्शन है, कैलकुलेटिव था, आप कैलकुलेटर से करना तो थोड़ा और जल्दी हो जाएगा, ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन, माइनर एंगल बिटवीन, देखो एंगल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, मॉड ऑफ 30H - 11/2m, ठीक है। अभी 48 और ये पूरा दिया हुआ, तो थीटा निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा 30 into 8
माइनस 11/2 इंटू 48, तो ये आ गया 8 3 24, 240 माइनस 264, मॉड में है कोई दिक्कत नहीं है, 24 डिग्री एंगल आ जाएगा आपका, वो माइनर बोला था तो 24 पे ही अपन फोकस रखेंगे, ठीक है। अब ये एंगल आपका हो रहा है 50% से इंक्रीज हो रहा है, तो 24 का 50% कितना होगा 12, तो न्यू एंगल जो होगा थीटा 1 बोल देते हैं, क्या हो जाएगा 24 प्लस 12 36 डिग्री। तो अब इस बार मुझे मिनट निकालने, तो 36 डिग्री कितने टाइम पे हो रहा होगा, 30 × 8 ये तो 240 हो जाएगा, माइनस 11/2 एम, ठीक है। अच्छा सीधी बात है, अब टाइम बढ़ेगा तो अपन इस बार 11/2 एम जो लेंगे है ना, मॉड हटाएंगे तो इधर प्लस माइनस, आप ले लो 240 प्लस 36 276, माइनस लोगे तो 848 से कम का ही टाइम आएगा, तो प्लस वाला ले लेना क्योंकि टाइम बढ़ेगा ना, तभी तो कितने टाइम बाद बोल रहा था ना वो। तो एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, मल्टीप्लाई कर लो, (11), ठीक है, ये नया टाइम हो गया मिनट, और 48 मिनट तो पहले ही थे, तो 552/11 माइनस 48 पता चल जाएगा कि कितना हुआ, तो 552 माइनस 24/11, 24/11 ऑप्शन बी, इजी था ये भी, ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बस आपको हल्का सा चलाना है दिमाग, ज्यादा भी नहीं। अब देखो बस डिस्क्रिप्टिव टाइप का है, बाकी करना वरना कुछ नहीं। द सैलरीज ऑफ थ्री फ्रेंड्स सीता गीता मीता, सीता गीता, तरीके पे बस ध्यान देना, एक की है मान लो 5x, एक की है 6x और एक की क्या है 7x। इन द फर्स्ट ईयर दे गेट सैलरी हाइक 20, 25 और 20% रिस्पेक्टिवली, ठीक है, सैलरी हाइक यानी इसकी 1/1/5 से बढ़ गई, यानी इसकी 6x हो गई, इसकी 1/4 से बढ़ी, तो 6x इंटू 1 + 1/4 5/4, इसकी सैलरी कितनी हो गई 15/2x, ठीक है, और इसकी कितनी हो गई, बस कैलकुलेशन का ध्यान रखना, 20, 1/5 से बड़ी, तो यही 7x इंटू 1 + 1/5 6/5 42x/5, ये इनकी नई सैलरी हो गई। इन द सेकेंड ईयर, ये फर्स्ट ईयर का था, सीता एंड मीता, सीता और मीता की बात हो रही है, सैलरी है 40 और 20, इसकी 40% यानी 6x इंटू 1 + 2/5 7/5 42x/5 हो गई, और इसकी 1 + 1/5 5/4, किसकी बढ़ी है 5/4 से, ये 42x/5, तो 21x/2 ये इसकी हो गई। एंड द सैलरी ऑफ गीता बिकम्स द मीन सैलरी ऑफ थ्री फ्रेंड्स, इसकी सैलरी में बोल देता हूं y है, तो इनका मीन क्या हो जाएगा, इन तीनों का एडिशन अपॉन 3, तो 42x/5, x को 10 ले लेते जबरन का मेहनत नहीं रहेगी, ठीक है, x को मैं क्या ले लेता हूं 10, है ना, ये सब कैलकुलेशन आसान के फायदे होते हैं, तो ये 50 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, है ना, 10 ले लूं तो 42 से 2 = 84 प्लस y प्लस 21/5 = 105 क्योंकि x को 10 लिया है, अपॉन 3, इनका मीन हो गया, है ना, और क्या बोला था, द सैलरी ऑफ गीता इक्वल टू मीन सैलरी ऑफ थ्री फ्रेंड्स, ये मीन हो गई, ये इसका सैलरी है, तो सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 189/2, ये y की वैल्यू आ गई 189/2, ठीक है, 150/2, x को 10 माना है, तो 150/2 से क्या हो गया ये 189/2,
ठीक है, द सैलरी हाइक ऑफ गीता कितने परसेंट, 1/2 तो दोनों 50 से 89 हो गया, यानी 39 इंक्रीज हुआ है ना, आउट ऑफ 150 इनटू 100 कर दो 26%, ऑप्शन डी, 10th आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। आप बातों ही बातों में आप एक चीज और भी सीख रहे होंगे कि जहां जरूरत हो वहां एक्स को कुछ मान लो ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, ठीक है। अगला 11th क्वेश्चन, बृष्टि वेंट ऑन 8-hour ट्रिप कार, बिफोर ट्रिप द कार हैड ट्रेवल्ड टोटल एक्स किलोमीटर टिल देन, वेयर एक्स इज अ होल नंबर एंड इज पैलिंड्रोमिक, है ना, पैलिंड्रोमिक नंबर आगे पीछे से देखो तो एक जैसे ही दिखता है ना। एट द एंड ऑफ द ट्रिप द कार हैड ट्रेवल्ड अ टोटल 268.62 किलोमीटर टिल देन, दिस नंबर अगेन पैलिंड्रोमिक, बृष्टि नेवर ड्रोव एट मोर देन इतना किलोमीटर पर आवर देन ग्रेटेस्ट पॉसिबल एवरेज स्पीड, ठीक है। देखो कोई भी एक पैलिंड्रोमिक नंबर इसकी कार पे रहा होगा, ठीक है, कुछ चलिए तो देखो 268.62 इसमें ये थी, पहुंच गई, ठीक है। अब कुछ कितने घंटे की ट्रिप थी, 8 आर की थी, मतलब मान लो पहले रीडिंग थी एक्स जो इन्होंने कहा ही था, है ना, प्लस 8 आर की ट्रिप में इसकी एवरेज स्पीड थी वाई, तो 8y चली होगी, ये चल के 26862 हो गया। अच्छा मतलब इसमें से मुझे 8y माइनस करना है और x भी जो आएगा वो पैलिंड्रोमिक होना चाहिए, सबसे अच्छा तरीका था आप ऑप्शन से कर लेते। अब देखो इसकी स्पीड 100 से ज्यादा होगी नहीं, ग्रेटेस्ट पॉसिबल होगा, इसको तो पहले ही हटा दो। अब x को मैं 100 लेके भी देख लेता हूं, तो 800 इसमें से अगर माइनस करता हूं ये तो पैलिंड्रोमिक हो गया, और ग्रेटेस्ट पॉसिबल पूछा था तो मैं अब ए और डी को चेक भी नहीं करूंगा, बी पे ही जब आंसर आ चुका है तो। अब देखो कितना आसान था ये क्वेश्चन, आप तुरंत कर सकते थे विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, इनको लगता है टफ पूछ रहे हैं लेकिन इतने टफ होते नहीं। 12th देख लेते हैं, मिक्सचर पीस फॉर्म बाय रिमूविंग सर्टेन अमाउंट ऑफ कॉफी फ्रॉम अ जार एंड रिप्लेस अमाउंट विद कोका पाउडर, सेम वापस से किया फिर। अच्छा इस टाइप के तो हम कर चुके हैं काफी, वो रिप्लेस वाला फॉर्मूला क्या होता है, बार बार जब रिप्लेस करते हैं x इंटू 1 - y / x की पावर n, x होता है प्योर लिक्विड और y जो हम बार बार रिप्लेस कर रहे होते हैं वाटर से, और n क्या होता है टोटल नंबर ऑफ टाइम जो ऑपरेशन होता है। अब फाइनली 2 times हुआ है और फाइनली जो है कॉफी और उसका रेशियो है, तो कॉफी अपॉन टोटल लिखते हैं अपन 16 + 9 is equal to coffee कितनी बची finally x यही रहा 1 - y / x की पावर 2। अच्छा टोटल में अपन ने 16 + 9 कर दिया, इधर टोटल के लिए अपॉन x कर देंगे क्योंकि टोटल क्वांटिटी तो x थी, x से x कैंसिल, ये बचा 1 - y / x की पावर 2। ये सब क्वेश्चन तुरंत होने चाहिए थे। 4/5 = 1 - y / x, तो y by x हमारा क्या आ गया 1 - 4/5 1/5, y अगर आप t ले रहे हो तो x क्या लोगे 5t, यानी इनिशियल मेरा सॉल्यूशन था 5t। अब पूछा क्या रेशियो ऑफ कोका मिक्सचर इन p में, तो पहली बार तो t ही मिला है और आखिरी में देखो क्या था 16/9 है ना, ये था, इसको ऐसा भी लिख लें 5t × 1 - 1/5, दो बार ऑपरेशन हुआ ना, तो 5t × 4 / 16/25 = 16t/5, ये क्या है प्योर वाली चीज है और इन्होंने क्या पूछा कोका, तो कोका कितना हो जाएगा 5 - 16/5 = 9/5t, तो फाइनली रेशियो क्या हो जाएगा t/90/5, तो 5/9 आंसर, ऑप्शन सी। सिंपल सी कैलकुलेशन थी जो हम कर सकते थे, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 13th, ये अच्छा क्वेश्चन है। इन एन एग्जामिनेशन एवरेज मार्क्स 4 girls 6 boys का 24 है, यानी
गर्ल्स को एक्स बोल देते हैं, बॉयज को वाई बोल देते हैं, तो 4x प्लस 6y इज इक्वल टू, टोटल 10 लोग हो गए, तो टोटल क्या हो जाएगा 240, यहां से मैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 120 लिख दूं, थोड़ी सी मेरी कैलकुलेशन आसान कर लेते हैं। ईच गर्ल्स हैज द सेम मार्क्स व्हाइल ईच बॉय सेम मार्क, यानी वही जो अपन ने इक्वेशन लिखी नॉर्मली ही, तो उसको एक्सप्लेन कर दिया, नहीं तो खतरनाक इक्वेशन बन जाती है अगर हर लड़की का अलग अलग लेते, हर लड़के का अलग, फिर 4x plus 6y नहीं लिख पाता, मतलब हमने हर लड़की का x माना है और बॉय का y माना है। इफ द मार्क्स ऑफ एनी गर्ल इज एट मोस्ट डबल द मार्क्स ऑफ एनी बॉय, यानी लड़कियों के मार्क्स ज्यादा से ज्यादा बॉयज के डबल होंगे, यानी लेस देन और इक्वल टू 2y, है ना, बट नॉट लेस देन, है ना, मतलब लड़कियों की जो वैल्यू होगी ये ऐसी होगी, x की वैल्यू होगी जो y के इक्वली उससे बड़ी हो सकती है लेकिन लेस देन और इक्वल टू 2y होगी, ठीक है। तो अगर x की वैल्यू में y मान लू तो 5y इज इक्वल टू 120, तो y की वैल्यू आ गई 24, है ना, ये कब माना जब x इज इक्वल टू y था, और जब x इज इक्वल टू 2y हर लड़की के 2 2y मार्क्स होंगे, तो 4y प्लस y 7y इज इक्वल टू 120, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 120/7, ये दो पॉसिबिलिटी आएंगी, ठीक है, यही आएगा ना, ठीक है। देन द नंबर ऑफ पॉसिबल डिस्टिंक्ट इंटीजर वैल्यू, टू गर्ल्स सिक्स बॉय, टू गर्ल्स सिक्स बॉय यानी 2x प्लस 6y बोल रहे हैं, ठीक है, 2x प्लस, तो x को जब मैं y लूंगा, है ना, x को जब मैं y लूंगा तो 6y प्लस 2y 8y आ जाएगा, तो x को जब मैंने y लिया है तो वैल्यू है 24, तो 8 इंटू 24 क्या आ जाएगा 192, और जब x को मैं 2y लूंगा हर लड़की के डबल डबल में नंबर मानूंगा, है ना, तो 2x की वैल्यू 4y प्लस 6y 10y हो जाएगी, 10y का मतलब x को जब 2y लिया था तो y की वैल्यू 120/7 आई थी, है ना, तो 1200/7 सॉल्व कर लेते, वन सेवेंटी वन पॉइंट समथिंग से लेके, है ना, इंटीजर वैल्यूज बतानी 192 तक बतानी है, ठीक है, तो 192 में से 171 माइनस कर दो, 21 वैल्यूज आएंगी, ऑप्शन डी, थर्टीन का आंसर क्या हो जाएगा डी, है ना, 172, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे 192 तक जाएगा, था ना, अच्छा क्वेश्चन, ठीक। अगला देख लेते, 14th, the amount of job A, S और K individual do in a day are in HP में है, ठीक है, और एक चीज और बोल दी कि कमल टेक्स ट्वाइस द टाइम एस अमल, तो देखो अमल, सुनील और कमल, पहले इस पे ध्यान दो, इन्हें कमल दुगना टाइम ले रहा है, मतलब इफिशियंसी की आधी हो गई, इन्हें कमल अगर एक दिन में x यूनिट काम करेगा तो ए 2x यूनिट काम करेगा, ये इफिशियंसी लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, अच्छा इफिशियंसी कई बोल रहे हैं कि ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, है ना, तो सुनील का काम कितना होगा एक दिन का, 2ab/a+b, ये हार्मोनिक मीन होता है, तो 2 × 2x × x/2x+x 3x, तो 4x/3 ये काम करेगा एक दिन में, तो ये तीनों का मैंने एक एक दिन का काम निकाल लिया कि एक दिन में कौन कितना काम कर रहा है, सबसे पहली फुर्सत में अपन ये काम कर सकते थे। अब आगे पढ़ते हैं, इफ ए एंड एस ये दोनों मिलके चार और नौ दिन काम करते, इस फोर दिन में ये एटेक्स कर लेगा, ये 9 days, तो इंटू 9 करूंगा, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12x काम ये कर लेगा, ठीक है, और इसको 16 डेज लगेंगे, तो 16 डेज में कमल कितना काम करेगा, 16x, ठीक है, तो टोटल वर्क यहां से पता चल गया 36x होगा, ठीक है,
देन द नंबर ऑफ डेज विल सुनील विल टेक टू फिनिश द जॉब वर्किंग अलोन. अगर सुनील ही इसी काम को अकेला करेगा तो कितने दिन में करेगा, तो 36x अपॉन 4x इनटू 3 कर दो, 27 डेज लगा देगा. तो 14th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 27. आसान था, देखो इसमें कुछ नहीं करना था. अगला 15th क्वेश्चन, ए ट्रेवल्स फ्रॉम टाउन ए टू टाउन बी. ए टाउन ए से टाउन बी जा रहा है ना, ये ए जा रहा है एंड सुरभि टाउन बी से टाउन ए. सुरभि इधर, ए को इधर लिख लेता हूं, ये दोनों सेम टाइम पे चालू करते हैं, ए बी और एस बी. आफ्टर मीटिंग ईच अदर, मान लो यहां पे कहीं मिले है ना, अरविंद टेक्स 6 hours, अरविंद को 6 hours लगे और सुरभि को 24 hours. इसका तो हमें एक डायरेक्ट फॉर्मूला पता है ना, क्या होता है, टाइम टेकन बाय ए आफ्टर मीटिंग का होता है, टाइम टेकन बाय सुरभि इज इक्वल टू अंडर रूट स्पीड, सॉरी एक सेकेंड एक सेकेंड, स्पीड ऑफ ए, स्पीड का रेशियो जो होता है, अपॉन स्पीड ऑफ बी. बी ए ने सुरभि लिख देता हूं, हाँ, इज इक्वल टू अंडर रूट टाइम टेकन बाय ए और ये टाइम टेकन बाय सुरभि. तो सुरभि को लिख रहा है 24, तो स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ सुरभि 24 अपॉन 6, 4 आएगा, 4 का रूट 2. तो स्पीड ऑफ ए ट्वाइस होगी स्पीड ऑफ सुरभि की, यानी स्पीड ऑफ सुरभि की अगर मैं एक्स मान लू तो ए की स्पीड क्या होगी, 2x. ठीक है, इफ अरविंद ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ 54, यानी 54 अगर इसकी है तो सुरभि की 27 होगी. ठीक है, देन द डिस्टेंस, अब देखो 54 में 6 आर्ट्स में कितना जाएगा, 54 इंटू 6 है ना, ये वाले डिस्टेंस निकाल लेते, और ये 27 की स्पीड में 24 आर्ट्स में कितना जाएगी है ना, तो 24 इंटू 27 थोड़ा सा कैलकुलेटिव है ना, तो 324 रिजल्ट में ऐड कर देना जो भी आएगा. अब सॉल्व कर लेता हूं, आप तो कैलकुलेटर से करना, मैं तो ये बच्चों वाली मेथड से कर लेता हूं. ठीक है, तो डिस्टेंस हो जाएगी 972. बिल्कुल बेसिक से करना था, और एग्जाम में ये जल्दी तभी होगा जब आप उसके कैलकुलेटर का यूज करोगे. ठीक है, तो कैलकुलेटर का यूज करना मत भूलना. ठीक, अब 16, ए इन्वेस्ट 22,000 फॉर 6 years. ए ने 22,000 लगाया 6 years के लिए, 4% इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली कैलकुलेट होगा है ना, यानी ए को जो अमाउंट मिलेगा वो 22,000 इंटू 1+2/100 क्योंकि कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो रहा है, और 6 का क्या हो जाएगा, 12 है ना, नंबर ऑफ ईयर डबल. ये हमने किए ए की बात. सुनील इन्वेस्ट द सेम स्कीम फॉर 5 years. सुनील ने 5 years के लिए किया, अच्छा अमाउंट इसको तो ये रिसीव होगा. सुनील ने मान लो एक्स रुपीज लगा, या पी मान लो, जो हम हर बार पी मानते हैं, तो पी इंटू सेम स्कीम फॉर 5 years, तो 5 2/100, 5 2 10 हो जाएगा, ये अमाउंट मिला. अब ये अमाउंट को इसने इन्वेस्ट कर दिया था है ना, इस अमाउंट को इन्वेस्ट कर दिया 1 साल के लिए 10% सिंपल इंटरेस्ट पे. ठीक, तो ये P इंटू, इसकी बात करें तो ये 5 साल बाद ये अमाउंट क्या हो गया, 51/50
की पावर 10 है ना, तो ये p इंटू आर इंटू टी एक साल अपॉन 100। तो ठीक है, ये अमाउंट क्या हो गया, ये इतना तो था ही, मतलब यहां पे अच्छे से लिख देता हूं, प्लस ये p बाय 10 हो जाएगा, ठीक है, ये सुनील का अमाउंट हो गया। तो सुनील का अमाउंट में ऐसा लिख सकता हूं, 1 + 1/10, 11/10, ये दोनों को सेम अमाउंट रिसीव हुआ है, तो ये इक्वल टू कर दो आप, ये इसका 22,000 जो था इंटू 51/50 की पावर 12, ठीक है। अब बस p की वैल्यू निकालनी थी, तो 11 टू सा ये होता है, तो 2000 और ये 10 इधर चले गया, तो एक जीरो और लगा दो, इंटू 51/50 की पावर 2 है ना, तो 51 का स्क्वायर क्या होता है, 2601 है ना, अपॉन 50 का स्क्वायर, देखो बिना कैलकुलेटर के कर लिया, और आप कैलकुलेटर से करोगे तो और जल्दी कर लोगे, ठीक है। 17th, देखो 17th आप साइक्लिसिटी वाला सिमिलर ट्रायंगल से करोगे तो जल्दी कर लोगे, यानी आराम से कर लोगे, मैं आपको उससे भी जल्दी ओरल करना बताता हूँ, क्योंकि नॉर्मली जब तक हम 17th क्वेश्चन पे आते हैं तो टाइम कम बचता है हमारे पास, ठीक है। तो ये ए बी सी डी है ना, और बाकी आप प्रोसेस से करना हो तो सिमिलर ट्रायंगल से आप कर सकते हो, मैं आपको इसको ओरल लगाना बताता हूं। ए बी अगर 2x है तो सी डी क्या हो जाएगा, x, बी सी अगर 5 है y है तो ए डी क्या हो जाएगा, 4y। अब इनको मिला है, इसको मिला है ना, AE अपॉन CE पूछा है। अब देखो इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाएं ABD में, हाफ AB साइन थीटा होता है, साइन है यानी हाफ, और इसमें लगाऊंगा तो हाफ AB साइन थीटा है इसका। अच्छा A और C अपोजिट है तो 180 इनका समीशन होगा, साइन 180 माइनस A करेंगे तो ये भी इक्वल आएगा, मतलब ऊपर वाला हाफ हटा दो और कांस्टेंट हटा दो, तो ऊपर वाले का एरिया हो जाएगा 8xy है ना, साइन ए, साइन ए चलो लिख देता हूं आपके लिए, अपॉन टू लिखने की जरूरत नहीं। और बी डी सी जो है ये क्या हो जाएगा, 5xy, साइन सी को साइन 180 माइनस है, साइन 180 माइनस है मतलब साइन है। अब रेशियो देखूंगा अगर इसका और इसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी, ये हो जाएगा 8/5, ठीक है। अब इन दोनों में देखो बेस तो कॉमन है बीडी, अगर मैं ओरल करने के तैयार हूं एई और ईसी को हाइट ही मान लो, हाफ बेस इनटू हाइट, तो हाइट का रेशियो क्या हो जाएगा, 8/5, ऑप्शन डी तुरंत लगा दो बिना आप कुछ भी किए, ये था तरीका, ठीक है, आसान था। 18th, सी एक्स सर्कल, देखो अब ये क्वेश्चन में हमें कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए तभी हम जल्दी कर पाएंगे, अगर आपको नहीं पता तो लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, ये एक सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है जिसके सेंटर होते हैं माइनस जी माइनस एफ, और इसकी रेडियस होती है रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये याद होना चाहिए। तो माइनस जी माइनस एफ से इसका क्या हो जाएगा, माइनस 2 और प्लस का 3, और रेडियस क्या हो जाएगी, माइनस सी ने प्लस थी, रेडियस आ गई 4, ठीक है। लेट एल लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पेयर ऑफ टेंजेंट टू सी, एंगल दिया हुआ है। अब बस मेन डायग्राम समझना था, मान लो ये सर्कल, ठीक है, एक
पेयर ऑफ टेंजेंट डाल देते हैं इस पे, ये एक टेंजेंट, ये हो गई, ठीक है। अब बस ज्यादा कुछ नहीं, डायग्राम बनाते अपने आप हो जाता। अच्छा, रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, और ये क्या है -2,3, रेडियस क्या है 4, और ये एंगल मुझे पता है, ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि पूरा ये 60 डिग्री 30 30 हो जाएगा। देन द पॉइंट एट विच द लोकस एल टच द लाइन एक्स इज इक्वल टू 6। अच्छा, ये लोग स्मार्ट है, सारे ऑप्शन में एक्स की वैल्यू 6 है, तो अपन यहाँ पे ऑप्शन से नहीं खेल सकते, ठीक। अब कुछ नहीं करना, ये पॉइंट बेसिकली अगर मैं एक्स वाई मान लू, अभी एक्स को एक्स ही रहने दो, ठीक है। अब ये दो पॉइंट पता है, इनके बीच की डिस्टेंस निकाल सकता हूं, और ये 90, ये अगर 30 के हिसाब से देखो, ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेनियस, तो साइन 30 क्या होता है 1/2, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस 8 आ गया, यानी ये लेंथ मुझे 8 पता चल गई। अब बट डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना, अंडर रूट एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर, है ना। यानी वो तो स्क्वायर हटाऊंगा, तब 8 अब कर देते तो x प्लस 2 का स्क्वायर, x की जगह आप 6 रख देते हो, तो 8 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, तो y की वैल्यू 3 होगी तभी ये 0 होगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, ऑप्शन ए। 18th का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अच्छा था, सब सिंपल है। 19th, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी है, बना लो राइट एंगल ट्रायंगल, द एल्टीट्यूड ए बी बेस बी सी, तो ठीक है बी एन ए, ये 90 डिग्री वाला होगा, क्या 12 5 12 13, यानी ए सी को 13 तुरंत लिख दो। पी एंड क्यू आर 2 पॉइंट्स ऑन बी सी, पी और क्यू 2 पॉइंट है बी सी पे। ए बी पी, ए बी पी एंड ए बी क्यू एंड ए बी सी, अच्छा ये पूरा एबीसी आर इन एपी, एरिया ऑफ एबीसी 1.5 टाइम्स एरिया ऑफ एबीपी, ये एक्स मान लेते हैं इसका एरिया, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी तो बता सकता हूं मैं, हाफ बेस इनटू हाइट, तो ये क्या हो जाएगा 30, है ना। अब उसका एरिया था x, इसका 1.5 टाइम्स बता रहे हैं, है ना, 30 है 20, तो ये 20 और ये पूरा है 30, ठीक है, यही था। अब 20 में हाफ, ये अगर मैं t मान लू तो हाफ बेस इंटू हाइट, तो 5 ही है इज इक्वल टू 20, ये डिस्टेंस 8 आ जाएगी, ठीक है। इन्होंने क्या पूछा है, लेंथ ऑफ पी क्यू, ठीक। अब थोड़ा सा डायग्राम सही से देख लो ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, है ना। अच्छे से डायग्राम एक बनाता हूं, अरे यार इन लोगों के इसमें डायग्राम भी नहीं, इतनी देर तो एग्जाम में भी नहीं लगाते, जल्दी ऐसे ही करता हूं, ठीक है। ऊपर ही रहा, वहां पे क्या काफी किचड़ पिचड़ हो गई थी, ठीक है। ये डिस्टेंस मेरी आ गई 8, ठीक है, और यहां से यहां तक पूरी कितनी है 12, ठीक है, ये कितनी है 5,
अब एरिया एपी में, ठीक है, इसका कितना एरिया है 20, ठीक है, इसका हो जाएगा मान लो टी, है ना, और ये पूरा क्या है 30, यही है। तो देखो 20, ठीक है, फिर इसका कितना है दूसरे वाले का 20 प्लस टी, और एबीसी अगर एपी में तो 20 प्लस 2t होना चाहिए, प्लस टी करके, ठीक है, इसका 20 प्लस टी, तो 20 प्लस 2t इज इक्वल टू 30, यही होगा ना, तो 2t की वैल्यू 10, t की वैल्यू 5, तो ये 25, अगला एरिया आ जाएगा 25। अच्छा वैसे 25 यहां से यहां तक का है, ठीक है, एरिया 20, 25, और यहां से यहां तक का पूरा 30, ठीक है, वैसे 30 और 20 आ गया था, बीच का नंबर 5 ही बचता है, तो 25 वैसे भी लिख सकते थे, लेकिन प्रोसेस से भी लिख लिया। अब बस हाफ बेस इनटू हाइट 25 के इक्वल कर दूं, तो हाफ इनटू बेस क्या है 8 प्लस PQ इनटू हाइट तो 5 इज इक्वल टू 25, तो 8 प्लस PQ इज इक्वल टू 5, 2 जा 10, PQ की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, तो PQ की लेंथ क्या आ गई 2, 19th का आंसर 2। 20, अब 20 भी ध्यान से देखना, अर्थमेटिक मीन है ये, देखो ज्यादा वैल्यू मानोगे डिले करोगे सॉल्व करने, खटखट सॉल्व कर लेना, 2b इज इक्वल टू a प्लस c होता है अगर एपी में है, तो 2 इंटू रूट वाई प्लस रूट जेड इज इक्वल टू 1 बाय रूट एक्स प्लस रूट जेड प्लस 1 बाय रूट एक्स प्लस रूट वाई, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 इंटू ये रूट एक्स प्लस रूट जेड इंटू रूट एक्स प्लस रूट वाई, सॉल्व करें, रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स प्लस रूट वाई जेड रूट वाई एक्स एक्स वाई लिख दो, ये दोनों हो गए, प्लस रूट जेड एक्स प्लस रूट वाई जेड इज इक्वल टू, ये अभी डिनोमिनेटर में ही रहने दो, अपॉन रूट वाई प्लस रूट जेड, एक ही बार में सारी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, इन दोनों को वो कर देंगे, तो इधर न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, रूट एक्स दो बार है तो 2 रूट एक्स प्लस रूट वाई प्लस रूट जेड, तो 2x इसको क्या लिखें, 2x प्लस 2 रूट एक्स वाई प्लस 2 रूट जेड एक्स प्लस 2 रूट वाई जेड इज इक्वल टू, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो 2 रूट एक्स वाई प्लस 2 रूट जेड एक्स प्लस, अच्छा ये रूट वाई प्लस रूट जेड का होल स्क्वायर हो गया, क्या होगा वाई प्लस जेड प्लस 2 रूट वाई जेड, 2 रूट वाई जेड से 2 रूट वाई जेड कैंसिल, 2 रूट जेड एक्स से 2 रूट जेड एक्स कैंसिल, 2 एक्स वाई से 2 एक्स वाई कैंसिल, तो 2 एक्स इज इक्वल टू फाइनली क्या बचा वाई प्लस जेड, तो वाई एक्स और जेड एपी में होंगे, ऑप्शन बी, आसान था ना, क्वेश्चन नंबर 21। अच्छा इसका आप में से कई लोगों को आंसर 648 हो सकता है दिमाग में आए, है ना, लेकिन जिनके दिमाग में 648 आया, इसको ओरल लगाना सिखा रहा हूं, वो ध्यान देना, नॉन रिपीटिंग जो थ्री डिजिट के नंबर होते हैं वो होते हैं 648, और ऑल नेचुरल नंबर बोला था 1 से 648, मतलब 1 से 648 से ज्यादा होता, एक ही ऑप्शन था सी लगा देते बिना सॉल्व किए, ठीक है, अब सॉल्व करके बता देता हूं, नेचुरल नंबर नॉन रिपीटिंग, तो शुरू में तो 9 हो जाएंगे 1 से लेके 9, डबल डिजिट में कितने होंगे, यहां पे 0 को छोड़ के बाकी 9 नंबर, और यहां पे 0 और वो जो नंबर फर्स्ट प्लेस पे आ गया होगा, तो 0 और पहले यानी ओ 0 अब आ सकता है, बस फर्स्ट प्लेस वाला नंबर नहीं आएगा, तो ये 81 केस और ये 9 केस, थ्री डिजिट के कितने होंगे नॉन रिपीटिंग, यहाँ पे 9 आ सकते हैं 0 नहीं आएगा, यहाँ पे वो नहीं आएगा तो फर्स्ट प्लेस पे आ गया था, 0 आ सकता है इसलिए 9, और यहाँ पे 10 में से 2 आ चुके बचे 1 8, तो 81 10 में से 2 नंबर आ चुके है ना, अब कितने आ सकते 8, देखो 648 में कहा ये रटा होना चाहिए 648, वही लगा ही दिया था, आखिरी में टाइम कम बचेगा तो ऐसे ही तो करेंगे,
A lab experiment measures the number of organisms at 8 a.m. every day, starting with 2 organisms on the first day. First day पे कितने हैं? 2. The number of organisms any day equal to 3 more than the twice the number of previous day. यानी second day क्या होगा? 2 into 2, 2 का square plus 3. Third day क्या होगा? इसमें into 2, यानी 2 cube plus 3 into 2 plus 3. तो फाइनली इसको लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? 2 क्यूब प्लस 3 बाहर तो 1 प्लस 2. ठीक है, यहां से क्या होगा, इस तरीके से बनाने, वैल्यू मत लिखना, पैटर्न समझ में आना चाहिए. तो nth डे में क्या होगा? द थर्ड डे में 2 की पावर 3 थी, तो nth डे में 2 की पावर n होगी प्लस 3 इंटू, ये 2 कम पावर तक जा रहा है, यानी ये 1 प्लस 2 प्लस ये जाएगा 2 की पावर n माइनस 2 तक. ठीक है, ये जीपी का फॉर्मूला लगा, देखो कितने प्रोग्रेशन के थे. ए वन है, आर की पावर एन, नंबर ऑफ टर्म्स है एन माइनस वन, माइनस वन अपॉन टू माइनस वन, है ना. इसी को पहले सॉल्व करते हैं, तो टू की पावर एन प्लस टू के एन माइनस वन को थ्री बाय टू इंटू टू की पावर एन लिख देता हूं, माइनस थ्री. तो फाइव बाय टू इंटू टू की पावर एन माइनस थ्री. This should be greater than 1 million, मतलब 10 लाख. ये आ गया. अच्छा, प्लस 3 भी कर दूंगा तो 10 लाख में क्या ही फर्क पड़ना है, इसको हटा दो, है ना. तो 2 की पावर n should be greater than 10 लाख अपॉन 5 करूंगा, 2 लाख आएगा, 2 2 जा 4 लाख आना चाहिए. ये मोटा मोटा. अब n की वैल्यू देख लो, ओरल कैसे करना है बताता हूं, ये तो कैलकुलेटर से भी नहीं कर पाओगे, मतलब कर सकते हो. 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 64, 128, 256, 512, 1024, यहां तक तो पता ही है. 2048, 4096, ठीक है, 4096 मतलब 4000 ले लो, फिर 8000, 16000, 32000, 64, 128, 128 मतलब 1 लाख कुछ हजार, है ना, 1 लाख, फिर 2 लाख, फिर 4 लाख. इतने में ही था, आगे 4 लाख से ऊपर जाना था, हो गया अपना काम. तो 15, 16, 17, 18, 19. तो n की वैल्यू मिनिमम क्या होगी? 19. उंगलियों पे क्वेश्चन कर सकते थे, लेकिन कब? जब आपने ये पैटर्न बना लिया होता. ठीक है, तो उम्मीद है ये पूरा पार्ट आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, और अभी तक सुन रहे हो तो प्लीज टेस्टिमनी लिख दो और सब्सक्राइब करो, शेयर करो खूब सारे इस वीडियो को. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.